जय माता दी। आज हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके एंजल जी का, आपके एंसिस्टर जी का आप बहुत अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। और आप जो भी मन में प्रश्न सोच रहे हैं, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे अपने लाइफ पाथ के लिए हो, आप बिल्कुल उस प्रश्न को दोहराइए अपने मन में और अपने एंसिस्टर जी का, अपने एंजल जी का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग जो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और वो जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो अचानक से आएगी। और ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग माता जी के भक्त हैं और आपको पूरी तरीके से, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप लोग या तो मंदिर गए थे माता जी का, या तो आप जाएंगे और वहाँ से जब आप आएंगे तब आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। जो भी जिनसे भी रिजोनेट करे, बिल्कुल आप ये चीज़ अच्छे से सुनिएगा, डबल सुनिएगा। यहाँ पर मुझे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में सिंबल्स दिख सकते हैं और आप ये सोचेंगे, क्योंकि आपको उनके उसके बारे में आइडिया ही नहीं है, जिनको भी ये ड्रीम नज़र आएगा तब आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सिंबल्स है और इस सिंबल से क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करेंगे जो थोड़ा से, मतलब थोड़ा अलग है। स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप में से कुछ लोगों को फेदर मिल सकता है। आपके लव लाइफ में एक नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होने वाली है और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग कुछ लिखते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप उसमें कमिटेड रहिए। जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप कंटिन्यू लिखिए उसको। अगर आप जिन भी डिवाइन जी को, जिन भी गुरु जी को, जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, तो उन पर पूरी तरीके से भरोसा रखिए, पूरी तरीके से डिवोटी रहिए। अगर आपका किसी से रिलेशन है, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आप उनके साथ पूरी तरीके से कमिटेड रहिए, पूरी तरीके से ईमानदार और वफादार। यहाँ पर मुझे दोनों सिचुएशन में नज़र आ रहा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको ऐसा लग रहा है, पूर्णिमा के समय में आपको कुछ इंट्यूशंस आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं। उस ड्रीम के द्वारा आपको इंडिकेशन प्राप्त होगा। उस ड्रीम के द्वारा, उस ड्रीम में आपके कोई बहुत ही लव्ड वन भी आ सकते हैं, जो एंसिस्टर्स आपके हैं उनकी भी ड्रीम आ सकती है। कुछ लोगों को किसी भी प्रकार से, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको पक्षियों का किसी भी प्रकार से कोई ऐसे चीज़ का आपको ड्रीम आएगा जिसको आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सर्च करेंगे पर आपको उसका जो आंसर है अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी फरवरी मंथ से। बहुत ही अलग यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। फरवरी मंथ से आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, देखिए आपके सामने में मैं सफल कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फरवरी मंथ से आपका जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। जो कि आप कंफ्यूज हैं किसी कनेक्शन में, किसी को लेकर आप कंफ्यूज हैं कि वो आपके कार्मिक है या सोलमेट है, वो जो कन्फ्यूज़न है वो जब आप बैलेंस हो जाएंगे, जब आप संतुलन में रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि आपको जो उपाय बताया गया है वो आपके लाइफ में किसी ऐसे पॉजिटिव पर्सन का मार्गदर्शन, गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आप इस सिचुएशन से पूरी तरीके से हट जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जो सोलमेट है उनके साथ आपका एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है और ये पास्ट से चला आ रहा है। कहीं ना कहीं वर्तमान में जीना है तो जो पास्ट की मेमोरी है, क्योंकि जब कार्मिक स्थिति समाप्त होती है तभी आपके लाइफ में या तो सोलमेट कनेक्शन को आप समझते हैं या आते हैं। देखिए सोलमेट कनेक्शन आपके लाइफ में रहते जरूर हैं, लेकिन जब तक कार्मिक स्थिति अच्छे से समाप्त नहीं होती आप उनको समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही कार्मिक स्थिति समाप्त हो जाती है तब आपको समझ में आता है कि उसमें कौन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। जो भी पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा संभाला है उस वक्त, जिस वक्त आपकी कार्मिक स्थिति चल रही थी, या आप कार्मिक स्थिति से निकल कर आप एक सोल कनेक्शन में गए हैं। ये आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, आप ये सुनते सुनते ये सोच रहे हैं कि आपका एज हो गया है, ठीक है, मुझे ये ऐसे सुनाई दे रहा है। तो आपको एज के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर
काफी ज्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नजर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका उनसे कोई रिश्ता हो, ठीक है। यहाँ पर वो आपके गाइडेंस देने वाले भी हो सकते हैं, वो आपको गाइड करने वाले आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या कोई ऐसे पर्सन हो सकती है जिनसे आप मिले नहीं हैं, लेकिन आपको उनका गाइडेंस प्राप्त होगा। यह पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोलमेट आपके आसपास ही हैं, आपको उनका जो है ज्ञान होगा आपको कि वो आपके सोलमेट है, और ये ज्ञान आपको ड्रीम में आपको पता चलेगा। ड्रीम जिस दिन आप प्रेयर करेंगे, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप प्रेयर करेंगे, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप अपने एंसिस्टर जी को प्रेयर करेंगे, एंजल जी को प्रेयर करेंगे, उसी दिन या उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपको ड्रीम में उनका फेस नज़र आएगा, उनका नाम नज़र आएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है रीडिंग पसंद आई होगी, इंट्यूटिव रीडिंग है ये। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।